नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। इटावा के सैफई गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खोल रहे हैं एक कॉलेज, जिसमें 50 फीट लंबी श्री कृष्ण की प्रतिमा आज से तकरीबन डेढ़ माह पहले लगा दी गई थी, जिसका उद्घाटन अभी तय होना निश्चित नहीं हुआ है। यह प्रतिमा बताई जा रही है कि जब कॉलेज का उद्घाटन होगा उसी वक्त पूजा पाठ के साथ विधि विधान से इस प्रतिमा को भी खोला जाएगा। सैफई में स्थापित की जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की पर्दे में ढककर रखी गई मूर्ति, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2019 के संसदीय चुनाव से ठीक पहले इसको आम जनमानस के लिए खोला जाएगा। समाजवादी पार्टी इस मूर्ति के जरिए भाजपा के मूर्तिवाद को चुनौती देने के मूड में नजर आती है। इंजीनियर कॉलेज है, सैफई में ये बन रहा है। हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी उसको तैयार करा रहे हैं। ये वही ग्राउंड है, पीछे ये जो मूर्ति है ये श्री कृष्ण भगवान की है, ये भी यहाँ सेट की गई है। जब इस कॉलेज की ओपनिंग की जाएगी तब इस मूर्ति को विधिवत हवन पूजन के साथ उसको प्रतिष्ठा की जाएगी। ये जो मुझे जानकारी मिली है, ये बताया गया है कि ये नोएडा से आई हुई है, ये कॉपर से तैयार की गई है। क्या लगता है ये श्री कृष्ण भगवान जी को ही क्यों चुना गया है मूर्ति? श्री कृष्ण भगवान जी को इसलिए क्योंकि हम लोगों के अंश में आते हैं, इसलिए श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी